तो दोस्तों शी हल्क का ट्रेलर आ चुका है और आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें, बहुत बढ़िया है, मजा आ जाएगा देखने में। गुरु लोग ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेलर ही बहुत बढ़िया है, कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है। डिसअपॉइंटमेंट जैसे कि यार इसके अंदर जो शी हल्क है वो ज़्यादा रियल नहीं लग रही, पता नहीं क्यों ऐसा। हल्क फिर भी बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, उसके अंदर लगता है शायद कम पैसा लगाया है उसकी काफ़ी, मतलब पूरा जो ग्रीन कलर है ना वो मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगा, मतलब नॉर्मल सा लगा, जैसे 30 साल पुराना हल्क हो ना उस हिसाब से उसकी एडिटिंग करी है, मतलब जो CGI है वो उस हिसाब का डाला है उसके अंदर, पता नहीं क्यों यार पैसा कम था क्या। ऐसा तो नहीं है यार, मार्वल के अंदर पैसा कम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मार्वल का अगर टैग ही लग जाए तो यार, मतलब पैसा इसके अंदर मुझे लग रहा है थोड़ा कम खर्च किया हुआ है। अब बात करें यार इसकी स्टोरी के बारे में, अब दोस्तों ट्रेलर से इतना तो पता चल ही गया कि शी हल्क को जो बनाया है वो बैनर ने बनाया, और जो कार्टून में दिखाया गया था वो था कि एक्सपेरिमेंट, मतलब गलती से बन जाती है क्योंकि बैनर को उसको अपना खून देना पड़ता है, पर इधर तो बैनर उसे खुद बना रहा है, मतलब खुद उसको ट्रांसप्लांट किया और उसको ट्रेंड भी कर रहा है। तो इसके अंदर तो यार मुझे समझना पड़ेगा कि ये ट्रेन भी क्यों कर रहा है और क्यों बनाया है, इसके अंदर क्या इन्होंने पॉलिटिक्स खेला है और किस तरीके से मतलब उसको सिखाने, मतलब उसको बनाया है, इसके ऊपर MCU की स्टोरी क्या रही है वो ज़रूर देखना चाहूँगा मैं। आप क्यों देखना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और इसके अंदर दोस्तों ये दिखाया गया कि यार शी हल्क जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, कार्टून में भी ये दिखाया गया था कि यार बहुत ज़्यादा कंट्रोल में, पर यार हल्क तभी मज़ा आता है हल्क को देखने का जब वो ओवर कंट्रोल चल जाए, मतलब कंट्रोल के बाहर चल जाए और तोड़फोड़ मचाए, क्योंकि यार वही तो स्मैश में ही तो मज़ा है, वरना तो क्या मज़ा है यार, बिल्कुल सजा वाला लगेगा। पर यार स्टोरी और कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मार्वल का देखो यार एक बिल्कुल ही जेन्युइन सा एक तरीका है, एक ही चीज़ वो हर एक मूवी के अंदर डालते हैं, मतलब तीन चीज़ें डालेंगे। पहली चीज़ डालेंगे एक मोटिवेशनल स्पीच जो मतलब आपको हमेशा याद रहेगी, फिल्म ख़त्म होने के बाद भी कई सालों तक याद रहेगी वो मोटिवेशनल स्पीच। दूसरी चीज़ होती है कॉमेडी, कॉमेडी इसके अंदर भर भर के डालते हैं। तीसरी चीज़ होती है एक्शन, जो एक्शन मतलब यार मतलब फाड़ देने वाला होता है वो चीज़। आपको तीन चीज़ें हर एक मूवी के अंदर देख लो, सब में यही मिलेगा। एक मूवी थी इन्होंने बीच में चेंज किया था, वो थी थॉर, थॉर का पार्ट 2 आया था, उसके अंदर ड्रामा ज़्यादा डाल दिया था, कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं डाली थी, तो वो फिल्म आपने देखी होगी कि वो पिटने लग गई थी, ज़्यादा चली नहीं थी। तो ये उसके बाद इन्होंने सभी फिल्मों के अंदर मतलब कॉमेडी डाली है, पहले सिर्फ आयरन मैन कॉमेडी करता था, अब जिस मर्जी कैरेक्टर को देख लो MCU के हर कोई कॉमेडी ज़रूर कर रहा है और मोटिवेशनल स्पीच भी डाल रहे हैं लोग सभी में। तो इनका कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है फिल्म के अंदर। आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगेगा, क्या लगता है क्या। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।